नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अलग अलग परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए महाराष्ट्र पहुंच गए। पीएम सुबह ही नागपुर पहुंच गए, जहां उन्होंने नागपुर से बिलासपुर के बीच चलाई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उसके बाद उन्होंने नागपुर मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन किया। उन्होंने मेट्रो में स्कूली छात्रों के साथ सफर भी किया। पीएम इस दौरान बच्चों से बातचीत करते भी दिखे। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी किसी परियों की कहानी से कम नहीं थी। अनुष्का खुद भी अपनी शादी में एक प्रिंसेस लग रही थी, वहीं विराट भी एक राजकुमार की तरह नजर आए और अपनी प्रिंसेस को ब्याह करके ले गए। दोनों ने 11 दिसंबर 2017 को इटली में करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी की थी और उसके बाद भारत में दोनों ने दिल्ली और मुंबई में शानदार रिसेप्शन दिए, जहां तमाम हस्तियां पहुंची। ये स्टार कपल आज अपनी शादी की 5वीं सालगिरह मना रहे हैं। अंतरिक्ष में सितारों की ब्लैक होल से हुई टक्कर में जोरदार विस्फोट हुआ। गामा किरणों के इस धमाके को स्पेस टेलीस्कोप और नासा की ऑब्जर्वेटरी ने देखा। यूनिवर्सिटी ऑफ लिसेस्टर ऑफ के भौतिक विदों के वैज्ञानिकों ने इस धमाके को दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना करार दिया है। उम्मीद है कि उनका शोध भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर अध्ययन में मददगार साबित होगा। गामा किरणों का विस्फोट ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली होता है। वैज्ञानिकों ने इस धमाके को GRB 211211A नाम दिया है। श्रद्धालुओं का यहां आंकड़ा 9 साल में सर्वाधिक है। रियासी जिले की त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित वैष्णो देवी के दरबार में 87 लाख श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई। श्रद्धालुओं का यह आंकड़ा 9 साल में सर्वाधिक है। इस साल के आखिरी तक माता के भक्तों की संख्या में 90 लाख से पार जा सकती है। यूथ फेडरेशन जबलपुर के जमा खान ने बताया कि सेंट्रल हज कमेटी इंडिया 3,97,000 रुपए हज यात्रा के लिए लेता है। जबलपुर स्थित अल मदीना हज टूर तथा अल मिजान हज टूर नामक प्राइवेट ट्रेवल्स हज यात्रा के 5.5 से 6 लाख रुपए ले रहा है। पीएम मोदी ने उदयपुर में G20 शेरपा बैठक के आयोजन के लिए राजस्थान की तारीफ की। इसके साथ ही शेरपाओं ने भी राजस्थान में डिजिटल लेन देन में सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतरीन प्रयोग की प्रशंसा की। उत्तर प्रदेश शासन ने 7 जिलों में 10 नए थानों की मंजूरी दे दी है। इसमें सबसे ज्यादा आगरा पुलिस कमिश्नरेट को 3 नया थाना मिला है। यहाँ के डॉकी थाने को 2 भाग में करते हुए बमरौली कचरा नया थाना बनाया गया। एतमादौला अलग कर ट्रांस यमुना को और अछेनरा थाने को 2 हिस्सों में बांटते हुए किरावली नया थाना बनाया गया है। बीते शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर काजोल की सलाम वेंकी और संजय मिश्रा और नीना गुप्ता स्टार फिल्म वध रिलीज हुई थी। दोनों ही फिल्में बेहद सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। सेवक दाह कन्फेशन को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बवाल हो रहा। लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी को भारत के लोगों पर ऐसी सीरीज बनाने की जरूरत ही क्या थी। वहीं हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के भी आरोप लग रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर स्याही से हमला किया गया। भारतीय जनता पार्टी के एक स्थानीय नेता से मिलने गए पाटिल अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ बाहर निकले ही थे कि एक अज्ञात व्यक्ति ने अचानक उनके चेहरे पर स्याही फेंक दी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।